हेलो डियर स्टूडेंट्स यू आर वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सिंपलीफाइड बाय ओसीडीसी दिस इज विनोद कुमार गर्ग एंड इन दिस वीडियो यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट मस्कुलर टिश्यू स्ट्रक्चर फंक्शन लोकेशन टाइप्स ऑफ मसल्स एंड हाउ मसल्स वर्क तो सबसे पहले क्या है कि मसल टिश्यू होता क्या है तो मस्क्यूलर टिश्यू इज मेड अप ऑफ मसल फाइबर जिसको बोलते हैं माओ माओ Myo का मीनिंग होता है मसल्स विच आर लॉन्ग सेल्स एंड अलाव मूवमेंट इन अवर बॉडी तो आगे बात करेंगे कैसे ये काम करते हैं सो मसल्स कैन कॉज मूवमेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स दीज प्रोटीन्स कॉज कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दीज मसल्स सो देर आर फोर सच टाइप ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स प्रेजेंट इन मसल्स विच आर नोन एज ट्रोपोनिन ट्रोपो एक्टिन एंड मायोसिन सो दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स यू आर ऑब्जर्विंग इन दिस डायग्राम, जो होती है मायोसिन उसको बोलते हैं थिक फिलामेंट और जो होती है एक्टिन उसको बोलते हैं थिन फिलामेंट। जो थिक है वो थि, जो थिन फिलामेंट है वो थिक फिलाेंट के ऊपर स्लाइड करते हैं तभी ये मूवमेंट पॉसिबल होती है सो देर आर टू काइंड ऑफ मसल्स फाउंड इन अवर बॉडी पहली है वॉलेंट्री मसल्स जो कि हमारे कंट्रोल में हमारे विल पावर के अंडर काम करती हैं और दूसरी होती हैं इन वॉलेंट्री मसल्स जो कि हमारे विल पावर हमारे कंट्रोल में नहीं होती राइट right? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन सच टाइप ऑफ मसल्स जो ए डायग्राम है दिस इज कॉल्ड स्केल्टल मसल और स्टाइट मसल इसमें आप देख सकते हैं कि लाइट एंड डार्क अल्टरनेटिव बैंड्स होते हैं जिसको स्टाइरेशंस बोलते हैं बी डायग्राम स्मूथ मसल्स की है इसमें कोई ऐसे स्टाइरेशन्स नहीं होती और सी डायग्राम है कार्डियक मसल्स जो कि यूनिक मसल्स होती हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलेट डिस्क एंड दीज मसल्स आर फाउंड ऑन इन हार्ट देर इज वन मोर व्यूज ऑफ सच टाइप ऑफ मसल्स सबसे पहले हार्ट के अंदर जो डायग्राम देख पा रहे हैं आप वो हार्ट की मसल्स की वो है कार्डियक मसल्स ये कभी फैटीक नहीं होती ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनवोलेंट्री सॉरी इंटरकैलेटेड डिस्क सो दीज आर ऑल्सो इनवोलेंट्री मसल्स दूसरी है स्केल्टल मसल जो कि मूवमेंट करती है बाय एसोसिएटिंग विद बोन और जो तीसरी है वो है स्मूद मसल जो कि इंटेस्टाइन यूट्रस वगैरह में पाई जाती है तो कंपैरिजन की बात करें हम कंपैरिजन करेंगे बिटवीन स्टाइरेटेड और स्केल्टल और वॉलेंट्री मसल्स का इसके साथ नॉन स्टाइरेटेड स्मूद और इनवलेंट्री मसल्स के साथ तो सबसे पहला क्या है कि वी कैन मूव स्टाइरेट स्केल्टल और वॉलेंट्री मसल्स कि हम अपनी इच्छा से इसको मूव कर सकते हैं या इसकी मूवमेंट को स्टॉप कर सकते हैं वेयर एज वी कैन नॉट स्टार्ट और स्टॉप द मूवमेंट ऑफ समूद अनस्टाइरेट और इनवलेंट्री मसल्स जो कि हमारी इच्छा के अनुसार नहीं काम करती तो उसको हम उसकी मूवमेंट को स्टार्ट या स्टॉप नहीं कर सकते राइट स्टाइरेटेड स्कैल्टल और वलेंट्री मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्टाइरेटेड मसल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डार्क एंड लाइट बैंड्स ये मैंने अभी आपको बताया कि डार्क एंड लाइट अल्टरनेटिव बैंड्स होते हैं जिसको स्टाइरेशन बोलते हैं ओके अनस्टाइरेटेड मसल जो हैं उसको हम स्मूद मसल्स बोलते हैं तो ये आपने याद रखना है और क्यों बोलते हैं क्योंकि अनस्टाइट मसल्स की जो होते हैं उसके अंदर डार्क एंड लाइट बैंड्स जो हैं वो अल्टरनेटिव बैंड्स नहीं होते क्लियर तो थर्ड पॉइंट की बात करें स्टाइट मसल्स को हम स्टाइटम मसल्स क्यों बोलते हैं यह अभी हम पीछे कर चुके हैं कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डार्क एंड लाइट बैंड्स ऑल ओवर देम बट जो अनस्टाइटेड मसल्स होती हैं उसको अनस्टाइटेड को हम क्या बोलते हैं स्मूथ मसल्स मैंने अभी आपको पीछे बताया कि स्मूथ बोलते हैं बट क्यों बोलते हैं बिकॉज दे डोंट हैव एनी लाइट और डार्क बैंड्स ऑन देम राइट तो स्मूथ मसल्स का अपना एक स्पेसिफिक टास्क है तभी इसकी लोकेशन डिफरेंट होती हैं सिमिलरली जो स्टाइटड मसल्स हैं उसकी लोकेशन डिफरेंट होती है द सेल्स ऑफ स्टाइरेटेड स्केल्टल और वलेंट्री मसल्स हैव मोर देन वन न्यूक्लियस तभी उसको बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएट एंड डोंट हैव एनी ब्रांचेस इसकी कोई ब्रांच नहीं होती और जो स्ट्रक्चर है वो होता है लॉन्ग सिलेंड्रिकल जो इनवलेंट्री मसल्स के सेल हैं उसमें सिर्फ सिंगल न्यूक्लियस होता है और उसके पॉइंटेड एंड्स होते हैं मसल्स के ठीक है स्टाइरेटेड मसल्स की जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो है मसल्स ऑफ आवर हैंड्स एंड मसल्स ऑफ आवर लेग्स जो स्मूथ मसल्स हैं उसकी जो एग्जाम्पल है वो है मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम एंड मसल्स ऑफ आयरस ऑफ अवर आइस तो ये जो मसल्स हैं ये इसकी एग्जाम्पल होगी स्मूद मसल्स की ठीक है तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वन मोर व्यू जिसमें आपको क्लियर दिख रहे हैं लाइट एंड डार्क बैंड्स स्टाइरेटेड मसल्स के अंदर ठीक है सार्कोलेमा हम इसकी मेम्ब्रेन को बोलते हैं सार्को की जो मसल्स का फंक्शनल यूनिट होता है उसको सार्को बोलते हैं ओके तो दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं स्मूथ मसल्स इसके जो एंड्स हैं वो टेपरिंग हैं वो पॉइंटेड हैं आपको अच्छे से ये डिफरेंस नज़र आ रहा है तो अब बात करेंगे कार्डिक मसल्स का दीज आर स्पेशल काइंड ऑफ इनवलेंट्री मसल्स द मसल्स ऑफ हार्ट आर कॉल्ड कार्डिक मसल्स दे परफॉर्म रिदमिक कंट्रक्शन रिदमिक का मीनिंग है जैसे आपको पता होता है कि पल्स होती है हमारी हार्ट रेट हम उसको बोलते हैं सेवनटी टू बीट्स पर मिनट तो ये रिदमिक कंट्रक्शन के कारण ही पॉसिबल होता है ये सिलेंड्रिकल होती है शेप के अंदर ठीक है और ब्रांचेस होती है इसके अंदर और सिंगल न्यूक्लियस होता है कार्डिक मसल्स जो हैं कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल हार्ट मसल्स सेल्स कनेक्टेड बाय इंटर कैलेटर डिस्क ये इसका यूनिक पॉइंट है इंटर कैलेटर डिस्क होने के कारण जो हमारी हार्ट की मसलें कभी फटीग नहीं होती तभी जो हमारा हार्ट है उसको बोलते हैं मायोजेनिक हार्ट ठीक है तो ये आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं कार्डिक मसल्स का इसके अंदर डेसमोजोम गैप जंक्शन ये सेल टू सेल जंक्शन होते हैं टी ट्रब्यूल का मीनिंग होता है ट्रांसवर्स टोब्यूल और साथ में आप देख पा रहे हैं डिस ठीक है जो कि इसको यूनिक बनाती हैं सो देर इज वन मोर व्यू ऑफ कार्डिक मसल्स नो वी विल टॉक अबाउट एम ओ ए दैट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि कैसे ये काम करती हैं तो आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो मसल्स की परफॉर्मेंस uh, है कैसे ये काम करती हैं तो इसको एक्सप्लेन करने वाली जो थ्योरी है जो सबसे ज़्यादा मानी गई है एक्सेप्ट की है उसको बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी तो ये स्टेप आप देख पा रहे हैं उसके अंदर सबसे पहले एक्टिन मायोसिन जो फिलामेंट है वो अनबाइंडिंग स्टेज में है अलग अलग हैं तो ये बाइंड होते हैं ए की हेल्प से ठीक है ए ब्रेक डाउन होती है जिसको हाइड्रोलिसिस बोलते हैं वो एनर्जी इसको मिलती है बाइंड करते हैं बाइंड, है, बाइंड करके एक क्रॉस ब्रिज बनता है जो कि नंबर तीन पे आप देख पा रहे हैं ठीक है तो उसके बाद आता है पावर स्ट्रोक मतलब यहाँ पे इसका जो कंट्रैक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद जैसे ही ए टी पी अनअवेलेबल होती है तो एक्टिन एंड मायोसिन जो फिलामेंट है वो फिर से अलग अलग हो जाते हैं तो ये रिपीटेड साइकिल चलता रहता है थर्टी टू थर्टी फाइव साइकिल होने के बाद एक कंट्रैक्शन कंप्लीट होती है राइट सो थैंक्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कनेक्टिव टिशू की